नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे इस गुप्तगु कार्यक्रम में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे देश में किसान जो है वो न सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए बल्कि अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू में देखने में ऐसा लगा कि यह पंजाब में ही सीमित रह के रह जाएगा यह लड़ाई, लेकिन नहीं। चूंकि बात में इतनी सच्चाई है और सत्यता तो प्रकाशित होती है, धीरे धीरे बढ़ता ही बढ़ता है, यह किसानों की लड़ाई अब पंजाब से निकल करके हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आज महापंचायत लगा हुआ है। विभिन्न चरणों में यह कार्यक्रम जो है पूरे देश में आयोजित हो रहा है। केरला जैसा, साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पे, तमिलनाडु, तो इन सभी जगहों में यह लड़ाई जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार का इतना कन्विंसिंग है कि चीजों को समझने में लोगों को थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन यह निश्चित है कि सच्चाई कभी नहीं छुपती है और वह सत्य जरूर लोगों के समक्ष बहुत जल्द प्रकट होने वाली है। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही है कि जहां हमारे देश के किसान भाई इस आंदोलन को अपने जीवन के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा प्रांत, हमारा राज्य इसमें पीछे न रहे। आंदोलन का परिणाम क्या होगा यह समय बताएगा, लेकिन इस झारखंड के किसान को बाद में ऐसा न लगे कि हमने इस खेती किसानी के अस्तित्व की लड़ाई में, इस महायज्ञ में अपनी कोई आहुति नहीं दी। इसलिए तमाम किसान भाइयों से हमारा व्यक्तिगत आग्रह है कि आप यदि हमारी बातों को सुनते हैं या इतने दिनों में कुछ बातें समझ में आई हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मैं पुनः याद दिला दूं कि यह न सिर्फ आपके खाद्य सुरक्षा, आपके उत्पाद की सुरक्षा की बात है, बल्कि यह एक ऐसा राह खुलने जा रहा है हम किसानों के समक्ष में कि कृषि और खेती ही हमारा जो व्यवसाय है उसी के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कई फैक्टर्स हैं, चर्चा मैं नहीं करूंगा, पुनः आज मैं याद दिला दूं कि सारे आंदोलन, सभी किसान संगठन का मांग, सभी लोगों का मांग एक ही है कि आप MSP को कानून का दर्जा दे दीजिए। अब लड़ाई मूलतः इसी बात पर केंद्रित होते जा रही है। MSP को यदि इस कानून के अंदर में प्रावधान नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर सभी किसानों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। मैं कई बार विस्तृत रूप में बताया हूं, लेकिन पुनः आज इस आग्रह के साथ उसे खास पॉइंट को याद दिला दूं कि यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यही हमारी अस्तित्व का रक्षा कर सकता है, हमें बचा सकता है। क्योंकि अब उत्पादन से लेकर के और भंडारण तक सभी की जिम्मेवारी उद्योगपतियों, कंपनियों के को दी जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में बाजार पर उनका नियंत्रण होगा और हमारे उत्पाद का मूल्य क्या होगा कल को गए वे इसका निर्धारण करेंगे। तो
कम शब्दों में, कोई भी व्यवसायी पहले अपना हित देखता है, पहले वह अपना व्यवसाय देखता है, पहले वह अपना लाभ देखता है, तो वह हमारे उत्पाद का अधिक मूल्य क्यों देगा। पूरे देश में उसके पास कहीं से भी खरीदने के खुला बाजार रहेंगे, वह हमारे शर्तों पर क्यों खरीदेगा। इसीलिए सभी किसानों का एक मांग है कि आप MSP को गारंटी कर दीजिए। इससे क्या होगा, वह कहीं से भी खरीदेगा, किसी भी किसान से खरीदेगा तो कम से कम उतना रुपया अवश्य मिल जाएगा, और वह रुपया किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि अभी हम 11-12 रुपये धान बेचते हैं, यदि वही 18 रुपये बिकेगा, एक क्विंटल में 700 रुपये का लाभ होगा। समान किसान भी जो 10 क्विंटल भी बेचता है तो उसको 7000 रुपया का सालाना लाभ होगा। आप यह जो घाटा हम करोड़ों किसान उठा रहे हैं, यह घाटा आखिर हम क्यों उठा रहे हैं, जब हमारे पास अधिकार है MSP लेने का, MSP मिलने का, तो आखिर किस षड्यंत्र के तहत हमें यह क्षति दी जा रही है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कंपनियां आ रही हैं तो इससे हमको क्या होगा, हम अपने से ही उत्पादन करेंगे। तो उन किसान भाइयों को याद दिला दें हम कि चूंकि वो खेती करते रहेंगे तो पहले वो आपको कहेंगे कि आप अपना खेत हमको दे दीजिए। बहुत किसान स्वतंत्र हैं, ऐसा भी सोच रहे हैं कि हम उनको नहीं देंगे, कोई बलाजस्ती भी नहीं है, लेकिन जब आपका उत्पादन बाजार में आएगा तो बाजार को वो इतना नियंत्रित कर लेंगे कि आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पादन कौड़ी के भाव भी नहीं बिकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप न चाहते हुए भी साल, दो साल, तीन साल घाटा कितना दिन सहिएगा, जब MSP आपको नहीं मिलेगा तो कई दिन कम दाम में आप टिक पाइएगा उन उद्योगपतियों के सामने। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपना खेत जमीन उनको जरूर जीमा लगा दीजिएगा, क्योंकि उनके साथ आप बाजार तौर पर आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, वह पूरे बाजार को नियंत्रित रखेंगे और अपने अनुसार प्राइस को वो सीमित रखेंगे, आप फ्री होकर के नहीं बेच पाइएगा। इसीलिए तो MSP की गारंटी नहीं की जा रही है कि तब तो उनका सब खेल खत्म हो जाएगा, यह पूरी पॉलिसी का खेल ही खत्म हो जाएगा जब MSP की गारंटी हो जाएगी। तो सरकार जो उनके लिए यह कानून लेकर के आई है, किसानों के हित के लिए भी यह कानून MSP लाना बहुत आवश्यक है, तभी हम चाहे हम अपने उत्पादन करके या कंपनियों को ही अपना खेत दे करके या जिस भी परिस्थिति में हम तभी टिक सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वो कभी MSP नहीं देंगे, उसमें ऐसी बात है कि वह न्यूनतम पर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कई तरीका का मुआयना करेंगे और मिला जुला करके MSP के नीचे ही आपको रख लेंगे। आप ओपन बाजार में जाइएगा बेचने तो आपको MSP पर बिकने नहीं देंगे, क्योंकि वह बाजार को नियंत्रित करके रखेंगे। अब इन सभी चीजों का एकमात्र समाधान है कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी या सरकार या जो और आने वाले हैं FPO, एक जो भी चीज आएंगे हमको हमारा सुरक्षित मूल्य देंगे, उससे कम यदि देंगे तो उनके ऊपर कानून की धाराएं लगेंगी, उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो सभी चीजों से बचने का एक और एक मात्र अब रास्ता हम सबों के समक्ष में है कि वह MSP को किसी तरीका से गारंटी बना दिया जाए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, कहा जाता है कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट करनी चाहिए, अभी ही समय है, नहीं तो होता क्या है, हम धीरे धीरे उसी में आदतन रम जाते हैं, कल को गए वह नई प्रथा आ जाएगी,
और फिर औने पौने दाम पर हम इसी तरीका से बेचते रहेंगे जैसे सरकार के साथ हुआ। अभी तक एमएसपी होते हुए भी हम नहीं बेच पाए क्योंकि हम आदतन वैसा सीख लिए कि चलो कोई बात नहीं बेच दो। तो यह आदतन यदि अब सीख जाएंगे तो यहाँ तो सरकार थी, यहाँ तो ब्लैक मार्केटिंग रोक था पहले, यहाँ तो स्टॉक पर सीमाएं थी, अब वो कुछ भी नहीं है। बाजार पर सरकार का नियंत्रण था लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है, अब सीधा उद्योगपतियों को डील करना है। इसीलिए अब अगर कोई एक रास्ता है हमको आपको बचाने का तो वह रास्ता एमएसपी का ही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का है, जो हमको बहुत सिक्योरिटी दे सकता है आर्थिक रूप से भी और कानूनन रूप से भी। हमारी सुरक्षा बहुत मजबूत हो जाएगी यदि सरकार इसमें एमएसपी गारंटी का कानून बना देती है। तो मित्रों मैं अधिक नहीं बात करूंगा इसके ऊपर, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, ये आपका भीख नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह भिक्षा मांगना है सरकार से या किसी से, यह 30 सालों से चली आ रही एक परंपरा है जिसको कानूनी मान्यता देने की बात शुरू से आती रही है और वह मांग जो है अभी जोर पकड़ रहा है। जोर इसलिए पकड़ रहा है कि पहले इस तरह की बाजार व्यवस्था नहीं थी, उद्योगपतियों के नियंत्रण में चीजें नहीं थी, इसीलिए किसान अब जब आप वैसा व्यवस्था ला रहे हैं तो किसान की सुरक्षा के लिए भी न्यूनतम मूल्य की गारंटी दीजिए। यही सामान्य मांग है जिसपे अडिग है सभी किसान संगठन, और यह होना आपको सरकार के दिए गए, मैं तो बता दिया कि सरकार यदि 6000 रुपया देती है तो एक मामूली 10 क्विंटल बेचने वाला भी 7000 रुपया का लॉस हर साल सह रहा है, तो 6000 का वो लाभ हमको नहीं मिल पा रहा। हमको वो 6000 का लाभ सरकार ये सोच के दे रही है कि एमएसपी इतना है, हम 6000 दे देंगे तब उनका जीवन जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन आप 6000 दे रहे हैं, 7000 हमको घाटा हो जा रहा है, तो इसके ऊपर सरकार का विचार नहीं हो रहा है। तो यह अभी समय है कि अपने हक की लड़ाई को आप लड़ लें, अभी नहीं लड़ेंगे, आदत में अगर यह शामिल हो जाएगा तो आपके लिए ही नहीं, ये आने वाले और औलाद के लिए भी कितना करोड़ों का घाटा होगा आप अंदाज लगा के देखिए कि जब एक मामूली किसान भी हर साल 10,000-15,000 का घाटा सह रहा है इस एमएसपी नहीं मिलने के कारण, तो सालों साल आने वाला जनरेशन भी और या आगे से भी हम कितना घाटा सहते आ रहे हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है, ये ऐसी भी मांग नहीं है कि हम सरकार के ऊपर कोई बोझ बन रहे हैं, ये ऐसी भी मांग नहीं है कि आप इस कानून को बना दीजिएगा तो आपके ऊपर अरबों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा, ये ऐसी भी बात नहीं है। ये तो ओपन बाजार की बात है, ये उद्योगपतियों की बात है, अब वो खरीदने आ रहे हैं तो आप उनको बचाने में क्यों लगे हुए हैं? आपके लिए वो महत्वपूर्ण है कि आपके लिए हम महत्वपूर्ण है? यदि बचाना है तो हम किसान को आप बचाइए, हम आपके वोटर्स हैं, हम आपके जनता हैं, तो आपको हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए बनिस्पत की आप उद्योगपतियों के पक्ष में हैं। दूसरी बात, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जो व्यक्ति सरकार के पक्ष में इस तर्क को काटने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल एक ही लाइन अपनी आत्मा से क्यों नहीं पूछते हैं कि यदि किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल ही जाए तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें देश का कौन सा घाटा होने वाला है, इसमें सरकार को कौन सा घाटा होने वाला है, या आप जो विरोध कर रहे हैं आपको इससे क्या घाटा होने वाला है? कहीं ना कहीं यह किसी के लिए तो लाभ की ही बात है। तो मैं उन तमाम लोगों से जो किसी राजनीतिक पार्टी से भी हैं, उनको भी इस समय इस कृषि के इस परिवर्तन काल में आपको राजनीति भुला करके केवल और केवल किसानों के पीठ पर खड़ा हो जाने की जरूरत है। आप यदि किसी राजनीतिक धर्म में समर्थन नहीं कर सकते हैं तो आपको चुप हो जाने की जरूरत है। आपकी चुप्पी भी कम से कम किसानों का हौसला नहीं तोड़ेगा, वैसे व्यक्तियों का हौसला नहीं तोड़ेगा जो इस किसानों के हक की बात कर रहे हैं, किसानों के सही मांग का समर्थन कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं देखना है, इसमें केवल किसानों का जीवन को ध्यान में रखना है।
कि यदि उनको जहां 11 रुपया मिलता है वहां अगर 18 रुपया मिल जाए, 7 रुपया उनको मिल ही जाए अगर, तो इससे आपको क्या परेशानी होने वाला है? आपको तो खुश होने चाहिए, क्योंकि आपका किसान जब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और जब देश मजबूत होगा तो उसका लाभ किसी न किसी रूप से आपको भी मिलेगा। तो सभी बातों का एक सार सूचना मैं दे दूं कि आने वाले 14 तारीख को पूरे देश में किसानों के द्वारा एमएसपी अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। एमएसपी अधिकार दिवस सरकार को याद कराने के लिए कि हम किसानों का यह अधिकार है, आप इसको मानिए, हमारी सुनिए, हमारी मांग को आप स्वीकार कीजिए। इस संदेश को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए पूरे देश से आवाज उठाने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे झारखंड के लोग भी इस आवाज को, जो अभी हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, केरला, कर्नाटक से उठ रहा है, उस आवाज में अपनी आवाज को भी जरूर मिलाएंगे। जो जिस स्तर पर हो, सोशल मीडिया पर हो, वहीं से अपनी आवाज उठाएंगे। गांव में यदि आप लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं इस एमएसपी का, तो आप वहां गांव में चर्चा कीजिए, लोगों को इसके बारे में समझा करके उनके ओपिनियन को पोस्ट कीजिए, ताकि आप आम जन भी उस चीज को, दूसरे लोग भी उसे प्रभावित हो सके और चीजों को वो समझ सके। आप यदि अपनी मांग किसी सरकार के पास रखना चाहते हैं उस एमएसपी अधिकार दिवस के दिन, तो अपने अधिकारियों के पास समूह में जाकर के व्यक्तिगत स्तर पर हर जगह जाकर के मांग कीजिए कि हमारा एमएसपी की गारंटी देना, मिलना, ये हमारा हक है, इसलिए कृपया इसे हमें दिया जाए। आप सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाएं, मैं अभी इस वीडियो में नीचे ये डाला हुआ है, हैशटैग एमएसपी राइट, एमएसपी आर आई जी एच टी, हैशटैग एमएसपी आर आई जी एच टी, हैशटैग एमएसपी राइट, यह लिख करके उसके साथ अपना ओपिनियन, अपनी मांग को सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी चाहें, इस हैशटैग को 14 तारीख को अवश्य चलाएं, और ताकि हमारी आवाज, जनता की आवाज सरकार तक पहुंच सके एमएसपी अधिकार दिवस के दिन। अंत में मैं पुनः आपसे उम्मीद करता हूं कि पूरे देश के किसान जब इस संघर्ष में लगे हुए हैं, तो झारखंड के किसानों का भी यह दायित्व बनता है कि उनके पीठ पर खड़े हुए उनकी आवाज में आवाज मिलाएं, क्योंकि यह लड़ाई केवल हमारे खाद्य सुरक्षा की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई किसानों के, कृषि के अस्तित्व की लड़ाई है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ।